स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग राम सिंह यादव के प्रतिशत को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल हमारा ये रहा, 18 कैडेट का प्रतिशत मान क्या है। सवाल हमसे ये पूछा है कि 18 कैडेट का प्रतिशत मान क्या है। सबसे पहले तो प्रतिशत में ये समझना होगा कि प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। जिसका प्रतिशत पूछा जाता है उसको ऊपर रखा जाता है, और जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसे उस नंबर को नीचे रखा जाता है। जैसे अगर कैरेट में अगर बात करें तो कैरेट का कंपैरिजन 24 कैरेट से होता है। अगर हम लोग ग्राम का कंपैरिजन करते तो ग्राम का कंपैरिजन 1000 ग्राम से होता है। अगर मिलीलीटर का अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो लीटर से कंपैरिजन किया जाता है, 1000 से किया जाएगा। इसी तरीके से हमारा ये सवाल है कि 18 कैरेट का प्रतिशत क्या है। तो 18 कैरेट का प्रतिशत पूछा है, तो जिसका प्रतिशत पूछा जाए उसे ऊपर रखना है। 18 कैरेट का प्रतिशत तो 18 ऊपर आ जाएगा। उसके बाद नीचे कंपैरिजन, तो कैरेट का कंपैरिजन किससे हो जाएगा, 24 कैरेट से, तो नीचे रखना पड़ेगा 24, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करना पड़ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 से 3 बार में, 6 से 4 बार में, और 4 से कट गया 25 बार में, तो क्या प्रतिशत आ गया, 75%। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारा सवाल है 750 ग्राम का प्रतिशत मान क्या है। अब हमसे क्या पूछा गया है, 750 ग्राम का प्रतिशत मान, तो इस बार ग्राम का कंपैरिजन किसे करना है, 1000 ग्राम से करना है। तो जिसका प्रतिशत पूछा जाए उसको ऊपर, 750 ग्राम का पूछा जा रहा है तो 750 ऊपर, नीचे कंपैरिजन किसे करना है, तो 1000 ग्राम से करना है, तो नीचे आ जाएगा 1000 ग्राम, और फिर से प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, सारा 0-0 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 75% के बराबर। इस तरीके से हमारा दूसरा सवाल सॉल्व। अब तीसरे सवाल में आए। अब हमारा सवाल ये है, एक गांव की जनसंख्या 12000 है, यदि गांव में 52% आदमी है तो गांव में औरतों की संख्या कितनी है। सवाल को ध्यान से समझना है, गांव की टोटल जनसंख्या है 12000, जिसमें से आदमी का प्रतिशत है 52%, तो हमसे पूछा औरत कितनी होगी। सवाल को ध्यान से समझना है, इसके पॉइंट को भी समझना है। अगर हम ये कहें कि गांव में 60% आदमी है तो बाकी का 40% क्या होगा, तो औरत होगा। हर एक चीज अपने आप में 100% होता है। अगर 60% आदमी हो गया तो 40% क्या होगा, औरत हो जाएगा। अगर ये कहते कि 70% अगर आदमी है तो 30% क्या होता, औरत होता। अच्छा, अगर 70% आदमी है, ये 70% किसका, तो जो टोटल गांव का जनसंख्या होगा उसका 70%। अगर हम ये कहें कि 60% पुरुष है तो 40% औरत होगी। किसका 40%, जो गांव का टोटल जनसंख्या होगा। उसी तरीके से इस सवाल में है कि 12000 गांव की कुल जनसंख्या, जिसमें से 52% क्या है, तो पुरुष है। अगर हम इसे लिखें, हम अगर ये कहें कि पुरुष अगर 52% है तो महिला कितनी होगी, बचा 48%, 48% हो जाएगी महिला। किसका 48%, तो गांव की कुल जनसंख्या का। ये 52% किसका, तो गांव की कुल जनसंख्या का। हमसे क्या पूछा गया है, महिला की संख्या कितनी है, औरत की संख्या कितनी है, तो टोटल जनसंख्या है 12000, और इसी का कितना प्रतिशत, तो 48% हम लोग निकाल ले, तो यही क्या हो जाएगा, औरत की संख्या हो जाएगा। इस दोनों 2020 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 12 8 96 का 6 बाकी हो गया 9, 12 4 48, 48 और 9 कितना हो गया, 57, और इस पर 10, तो 57 5760 महिलाओं की संख्या हो जाएगी। इस तरीके से हमारा ये सवाल सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। सवाल है 25% का 35% का 2/7 का 1680 का मान क्या होगा। अब जनरल हम लोग जानते हैं कि का के जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, गुना का यूज करते हैं, सेम उसी तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बोला 25% का, तो जनरल से रखते हैं इसको, सीधे से सवाल यहां भी बन जाएगा 25%, 25% का मतलब 25/100 का, तो गुना का साइन। अब है 35%, 35% का मतलब 35/100, फिर का आ गया, तो गुना 3/7, 2/7, तो 2/7, अब का फिर से लगा दिया कितना, तो 1680। अब इसको सॉल्व करते हैं, कहानी खत्म है, इसको सॉल्व भी आराम से करना है। 25 चौके हो जाएगा 100, उसके बाद अगर काटे 7 से कट गया ये 5 बार में, 5 से इसको काट देते हैं 20 बार में, 10 10 खत्म,
दो से दो खत्म, चार से इसको कैंसिल कर लेते हैं 42 बार में, तो हमारा आंसर क्या आ गया 42। इस तरीके से हमारा आसानी से ये भी सवाल सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हमारा थोड़ा सा ये पेचीदा सा सवाल आ गया है। सवाल ये है, ए बी सी तीन छात्र हैं, ए को बी से 18% अधिक अंक तथा सी से 12% कम अंक प्राप्त होते हैं। यदि बी को 220 अंक प्राप्त होते हैं तो सी को कितने अंक प्राप्त हुए। अब सवाल को ध्यान से समझना है, थोड़ा समझना होगा, फिर उसके बाद ये सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा। सवाल में ये कहा तीन आदमी ए बी सी है, ए के बारे में कह रहा है कि ए को बी से 18% अधिक, ए के बारे में क्या बोला बी से 18% अधिक, इसका मतलब बी का जितना मान होगा उससे 18% अधिक होगा ए। अब उसके बाद बोला तथा सी से 12% कम है, कौन सी से 12% कम है, फिर ए के बारे में ही कह रहा है, ए के बारे में ही बोला कि वो सी से 12% कम है। पहले ए के बारे में बोला कि बी से 18% अधिक है, फिर ए के बारे में ही कह रहा है कि सी से 12% कम है, उसके बाद मेरे पास बी का मान 220 दे दिया और सी का हमसे पूछ दिया। अब इसको बैठाते हैं। सबसे पहले ध्यान से अगर देखें, ए बी और सी तीन आदमी हैं। सबसे पहला ये कहा ए बी से 18% अधिक है, बी से 18% अधिक, तो बी को हम लोग मान लेते हैं 100, तो इससे 18% अधिक कितना हो गया 118। अब ये बोला तथा सी से 12% कम है, कौन ये जो ए है ना, ये ए इस सी से 12% कम है, इसके बारे में बोल रहा है 12% कम। हम ये कहते हैं ए के बारे में कह रहा है कि ये सी से 12% कम, 12% कम का मतलब 88% है, क्योंकि हर एक चीज अपने आप में 100% होता है, तो ये जो ए है इस सी से 12% कम है, इसका मतलब 88% है। अब ए के जगह पर हम लोग इस 118 को यूज कर सकते हैं, तो इस ए के जगह पर हम लोग यूज कर लिए 118। अब इसको सॉल्व करते हैं क्या आता है, चार से ये 22 बार में, चार से ये 25 बार में, दो से 11 बार में, दो से 59 बार में, अब तो नहीं कैंसिल हो रहा, तो कोना कोना गुना कर लेते हैं, सी बराबर क्या मिल जाएगा 59 × 25/11। इसको देखकर घबराना नहीं कि क्या आ गया, आराम से काम करते हैं, हमारा सवाल सॉल्व तो होना ही होना है। तो हम सी के जगह पर इसको रख लेते हैं 59 × 25/11, गुना नहीं करना है, बाद में तो काटना कूटना ही पड़ेगा, इसलिए गुना नहीं करना। अब सवाल में ये कहा बी को कितना अंक मिला है, तो बी को 220 अंक मिला है। हमारे अनुसार बी को कितना मिला है 100, सवाल के अनुसार बी को कितना मिला है 220, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 100 बराबर है किसके, तो 220 के, ये 100 यहां से बी का मान है 100, सवाल से बी का मान है 220, तो ये 100 बराबर हो गया 220 के। अब हमसे क्या पूछा है, सी का मान बताओ, सी का कितना है 59 × 25 और ये 11/2। एक काम करते हैं, 11/2 जो आएगा इसको डायरेक्ट ऊपर भेज देते हैं, यहाँ जो 11/2 आएगा उसको डायरेक्ट भेज दिए ऊपर और बराबर व्हाट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब सॉल्व सिर्फ कोना कोना कैंसिल नहीं करना है, कोना कोना गुना करना है, बाकी हम लोग इसको कैंसिल करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। ये दोनों कट गया 20 बार में, 1010 खत्म, 2 से 5 बार में और ये 5 से 5 बार में, कुछ नहीं बचा, सिर्फ 59 × 5 बचा, तो क्या आ जाएगा 59 × 5 9 × 5 = 45, बाकी 4 × 25 = 4 हो जाएगा 29, तो 295 अंक हो गया। क्लियर है क्वेश्चन, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा ये रहा कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 125 रुपए है, यदि इस पर 8% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान समझना, एकदम आसान सा सवाल है कि अंकित मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य मतलब जो दाम छपा हुआ होता है, उसके बाद ये बोला छूट दिया है 8% का। अब ध्यान से समझना है, छूट जब भी मिलता है तो अंकित मूल्य पर ही छूट देकर उसे बेच दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो छूट जब भी मिलेगा तो अंकित मूल्य पर मिलता है छूट। जैसे अगर हम ये कहें कि किसी वस्तु का कुछ दाम है 1000 रुपए दाम है, अगर 20% का छूट दिया जाए तो क्या होगा, 20% अगर छूट ही दे दिया तो बेचेगा कितने में, 80% में,
क्योंकि हर एक चीज अपने आप में क्या होता है 100% होता है। अंकित मूल्य भी अपने आप में क्या है 100% है। तो अगर 20% छूट मिला तो बेच कितने में रहा है 80% में। अगर ये कहें कि 10% का अगर छूट दिया है तो 10% का छूट दिया है तो बेचेगा कितने में 90% में। अब ये किसका 90%? तो अंकित मूल्य का 90%। अगर हम ये कहें 10% छूट दिया है तो किसका 10%? अंकित मूल्य का ही 10% क्या हुआ तो छूट हुआ। अगर 10% छूट मिला तो बेचा कितने में 90% में। अगर ये 90% किसका तो अंकित मूल्य का ही 90% है। तो इस सवाल में अंकित मूल्य कितना दे रखा है तो अंकित मूल्य है 125 रुपए। 8% का छूट मिला, ये 8% किसका तो हम कहेंगे 8% किसका तो अंकित मूल्य का। अगर 8% का छूट दे दिया गया तो बेचा कितने में तो क्या कहेंगे 92% में। हमसे पूछा है कितने में बेचा गया तो सीधे से काम करते हैं इसको। 125 रुपए अंकित मूल्य है और 8% छूट दे दिया तो बेचेगा कितने में तो 92% में। तो यहाँ क्या करते हैं 8% छूट देने के बाद इसे 92% में बेच देते हैं। तो कैंसिल करते हैं 25 से 5 बार में और 25 से कट जाएगा 4 बार में और इसको कैंसिल करें 2 से ये 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा कितने बार में तो 46 दुना 92 बार में कट गया। अब ये दशमलव में आ जाएगा तो सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा ये तो और कट ही रहा है, 23 चौके 92 तो होता ही होता है, इसको डायरेक्ट 23 से ही काट लेते हैं। 4 से 92 कट गया 23 बार में, 23 गुना 5 क्या आ जाएगा तो 115 रुपए में इसे बेच दिया गया। अच्छा अगर इस सवाल में विक्रय मूल्य ना पूछकर सिर्फ छूट पूछता, अगर 8% का छूट है ना, पूछता कि छूट कितने का मिला है तो हम लोग क्या करते हैं 125 रुपए अंकित मूल्य है 8% का छूट है तो डायरेक्ट 8% निकाल देते तो वो हो जाता हमारा छूट। विक्रय मूल्य पूछे तो 100 में घटा के, अगर छूट पूछे तो डायरेक्ट 8% निकाल देना। 8 से इसको प्रतिशत निकाल दे, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से कट जाता 2 बार में, क्या होता 10 रुपए का क्या होता तो छूट मिलता। इस तरीके से ये सवाल सॉल्व होता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हमारा सवाल है राम ने अपनी कमाई का 50% खर्च कर दिया, यदि उसने 20,000 रुपए खर्च किए हो तो उसकी कुल कमाई कितनी है। ध्यान से समझना, सवाल एकदम आसान सा है। हम ये कहेंगे कि आदमी का जो भी इनकम होगा, आय होगा, वो 100% के बराबर होगा। क्या बोले, जितना भी उसका इनकम होगा, आय होगा, वो 100% के बराबर है। अब क्या हुआ, उस 100% में से ये 50% खर्च कर दिया। हम ये कह, अगर 50% ये खर्च कर दिया तो बचा कितना, 85% बचा। अच्छा ये जो 50% खर्च किया, किसका 50%? जितना इसका इनकम है, जितना इसका आय है, उसी का 50% ये क्या किया, खर्च कर दिया। अब उसके बाद सवाल में ये दे दिया है कि 2,000 रुपए ये खर्च किया। हम अगर देखे ध्यान से सवाल में, प्रतिशत में ये कहा है कि 20% खर्च हुआ है। उसके बाद रुपए में ये कहा है कि 2,000 रुपए खर्च, प्रतिशत में 50% और रुपए में कितना है 2,000। तो हम ये कह सकते हैं 50% किसके बराबर है तो 50% 2,000 के बराबर। तो इस क्वेश्चन में हम लोग इसको अगर बनाए तो हम ये कह सकते हैं ये 50% किसके बराबर तो 2,000 के बराबर, क्योंकि ये 50% भी खर्च था और ये 2,000 रुपए भी क्या था तो खर्च था। तो 50% बराबर है 2,000 के। तो हमसे पूछा क्या है कि उसकी कुल कमाई तो कुल कमाई हमेशा कितनी होती है 100% होती है। तो क्या करते हैं 100% बराबर वॉट निकाल लेते हैं। इस मेथड में क्या करना है, प्रतिशत के नीचे ही प्रतिशत रखना और कैंसिल करने में हम लोग कोना कोना क्रॉस में कभी कैंसिल नहीं करना है, कोना में सिर्फ गुना होगा, बाकी हम लोग काट सकते हैं। प्रतिशत प्रतिशत तो खत्म ही हो गया, 50 से कट गया 2 बार में, कोना कोना गुना कर लेते हैं क्या आ जाएगा उसका इनकम 4,000 रुपए उसका आमदनी हो गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी को अपने वेतन में 10% की वृद्धि मिलती है तो अब उसका वेतन 10,285 रुपए है तो उसका मूल वेतन क्या है। बिल्कुल आसान सा सवाल है। ये कहा है सवाल में कि एक आदमी के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। हम ये कहें पहले उस आदमी की वेतन कुछ ना कुछ होगा और पहले जो वेतन होगा वो 100% के बराबर होगा। हम ये कहें पहले उस आदमी का वेतन है 100%, 10% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 110%।
अगर 10% घट जाता तो 90% होता। अगर कहते आदमी का वेतन 20% बढ़ गया तो 20% बढ़ने के बाद कितना हो गया 120%। अगर 20% घट जाता तो क्या होता 80% होता। तो हमसे यही सवाल में कहा कि 10% जब बढ़ गया तो जनरल हम क्या कहेंगे 100% था और 10% बढ़ गया तो हो गया कितना 110%। अब सवाल में ये कहा बढ़ने के बाद उसका वेतन कितना है 10,285 रुपए। हम ये कह 100 था 10 बढ़ गया तो हो कितना गया प्रतिशत में प्रतिशत में हो गया 110%। और बढ़ने के बाद वेतन कितना है तो बढ़ने के बाद वेतन है 10,285 रुपए। यहाँ रख लेते हैं 10,285 रुपए। अब हमसे क्या पूछा उसका कुल तो उसकी कुल कमाई सॉरी तो उसका मूल वेतन कितना है। मूल वेतन क्या माने थे 100% माने थे ना। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं 100% बराबर व्हाट रख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं आसानी से सॉल्व होगा। एक जीरो इसको कैंसिल करते हैं 11 से ये कैंसिल 11 नमा हो जाएगा 99 102 में से 99 चला गया 3 और ये हो गया 38 लगा देते हैं 11 से 3 बार में फिर आ गया 5 से हो जाएगा 55 बार में तो 935 बार में कैंसिल हो गया। कोना कोना गुना कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 9,350 रुपए इसकी मूल वेतन था इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80,000 रुपए है यदि उसमें 10% की कमी की जाए तो नया मूल्य क्या है। सिंपल सा सवाल है कि पहले उसका मूल्य कितना था तो 80,000 रुपए था 20% अगर कम कर दिया 20% कम कर दिया तो 80% हो गया होगा। तो सिंपल सी सवाल है कुल 80,000 था 20% कम हो गया तो 80% हो गया। निकाल देते हैं डायरेक्ट हम लोग सॉरी 10% है तो निकाल देते हैं 10% कमी के साथ इसका इसका क्रय मूल्य था 20,000 रुपए और सॉरी 20 नहीं 80,000 रुपए है तो यहां रख लेते हैं 80,000 रुपए और कमी कितनी की हो गई 10% कमी हो गया तो वो कितना जाएगा 90% तो यहाँ पर हम लोग रख लिए 90% हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं 2 0 2 0 खत्म हो गया 9 × 8 हो गया 72 और 3 0 लगा हुआ है तो क्या आ गया 72,000 रुपए हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सिंपल सा एकदम आसान सा सवाल है 20,000 का 20% क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन को चाहे तो मुझवाने भी बना सकते हैं। सवाल ये है 20,000 का 20% क्या होगा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। हम कहें 20/100 20 से 100 कट जाएगा 5 बार में आ गया 1/5 20% का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5 इसका मतलब है 2000 का 1/5 निकाल देते हैं 2000 का 1/5 का मतलब है 2000 में 5 से भाग लगा दें क्या मिलकर आ जाएगा 2000 में 5 से भाग लगाएंगे 4000। चाहो तो इसको मुझवाने भी बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा इसको डील कर लेते हैं। क्वेश्चन में है कितना 20,000 का 20% पूछा है तो ये हो गया 20,000 और इसका 20% तो 20/100 हो गया 100 2 0 2 0 खत्म तो क्या आ जाएगा 4,000 रुपए आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये सवाल भी सॉल्व होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा क्या है 10%, 20% और 30% का क्रमवार छूट क्या होगा। मतलब 3 बार प्रतिशत दिया हुआ है और इसका हमसे एक एकल छूट पूछ रहा है क्रमवार छूट समतुल्य बट्टा हमसे पूछ रहा है। तो सिंपल सा सवाल है हम ये कह रहे हैं हर एक चीज अपने आप में 100% होता है। सबसे पहले अगर 10% का छूट दिया है तो बेचा होगा 90% में फिर उसके बाद 20% का छूट दिया है तो 80% में बेचा होगा फिर उसके बाद 30% का छूट दिया है तो 70% में बेचा होगा। तो इस तरीके से देख लेंगे कितने में बेचा होगा फिर निकालेंगे छूट कितने का मिला होगा। अगर इसको बनाए बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हम ये मानते हैं कि उसका अंकित मूल्य 100 है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने चर्चा किया कि छूट जब भी मिलता है अंकित मूल्य पर मिलता है। हम ये अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 है तो सबसे पहले 10% का छूट दे दिया तो हो कितना जाएगा 90% फिर उसके बाद 20% का छूट दिया। अब ये नहीं कि 90 में 20 माइनस करना ये नहीं करना है ये भी अपने आप में क्या है 100% है इसीलिए हमेशा 100 में ही माइनस होगा। 20% का छूट दे दिया तो बेचेगा कितने में 80% में। अब आगे 30% का छूट दिया गया 30% का छूट दे दिया तो बेचेगा कितने में 70% में हो गया। इसको सॉल्व करते हैं क्या आएगा कि कितने में बेचेगा। अगर सॉल्व करें 2 0 2 0 खत्म फिर से 2 0 खत्म ये सारा कैंसिल हो गया
अब इन सबको गुना कर लेते हैं, 9 × 8 हो जाएगा 72, और 72 को गुना कर लेते हैं 7 से, तो 7 × 2 = 14, 7 × 7 = 49, और 1 हो जाएगा 50, नीचे एक जीरो बचा था तो नीचे लगा दिए एक पॉइंट, मतलब क्या हो गया, इसको कितने में बेचेगा, 50.4 में बेचेगा। अब इसे क्या करना है, 50.4 में बेचा गया, 100 में खरीदा गया था, सॉरी 100 रुपए इसका अंकित मूल्य था और 50.4 में बेच दिया गया, तो छूट कितने का मिल गया, दोनों को माइनस करते हैं तो क्या मिल जाएगा, छूट 49.6% का क्या हो गया, तो इसे छूट मिल गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हमारा सवाल है, एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो लड़कों की संख्या क्या है। सिंपल सी सवाल है, 70% अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 30% होंगी, क्लियर सी बात है, 70% लड़के तो लड़कियां हैं 30%। अब आगे कहा है लड़कियों की संख्या 255, हम ये क्या अभी तुरंत लड़कियों की संख्या है 30% और अंक में दिया है 255, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 30% बराबर है किसके, 255 के। अब हमसे क्या सवाल पूछा गया कि लड़कों की कुल संख्या, अभी तुरंत हम क्या देखें हमसे ये कहा 70% लड़के हैं तो 30% लड़कियां हो गई, और संख्या में 255 लड़कियां थी, तो 30% ये लड़कियां और यहाँ पर लड़कियों की संख्या, अगर हमसे पूछा था कुल विद्यार्थियों की संख्या तो निकालते 100% बराबर व्हाट, हमसे पूछा है लड़कों की संख्या क्या, लड़कों की संख्या 70% है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 70% बराबर व्हाट निकाल लेते हैं। एक जीरो खत्म हो गया, 3 से कट जाएगा कितने बार में, 8 और ये 85 बार में, 24 और एक 85 बार, कोना कोना गुना कर लेते हैं, 85 × 7, 7 × 5 35 का 5, बाकी 3, 8 × 7 = 56 और 56 × 3 कितना हो जाएगा, तो 59, तो 595 लड़के हो जाएंगे। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। सिंपल सा सवाल है कि 15 मिनट 1 घंटे का पूछा है प्रतिशत, तो जिसके बारे में पूछता है उसको ऊपर रखते हैं, जिससे कंपैरिजन करना होता है उसे नीचे रखते हैं, तो 15 मिनट का पूछा है तो 15 मिनट को ऊपर रखेंगे, नीचे 1 घंटे का पूछा है घंटे को भी मिनट में रखना पड़ेगा क्योंकि यूनिट सेम रखना है, ऊपर में अगर मिनट है तो नीचे भी मिनट ही होना चाहिए, तो 15 ऊपर चला जाएगा नीचे, 1 घंटे में हो जाता है 60 मिनट, तो नीचे रख लेंगे 60 और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, ऐसे भी प्रतिशत निकालने में जिसके साथ का या फिर से वर्ड लगा रहेगा उसी को नीचे रखते हैं। इस सवाल में क्या कहा है, 15 मिनट 1 घंटे का, तो घंटे के साथ का लगा है ना, 1 घंटे के साथ, तो वो नीचे चला जाएगा, और 1 घंटे में होता है 60 मिनट, इसका मतलब नीचे क्या जाएगा, नीचे चला गया 60 और ऊपर में क्या आएगा 15, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, 4 बार में कट गया 4 से ये 25 बार में, तो क्या आ जाएगा 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे घंटे में थीटा कोण बनाता है, मतलब घंटे की सुई का, तो थीटा का मान क्या है। सिंपल सा सवाल है, घंटे के सुई के बारे में पूछ रहा है, घंटे के सुई के बारे में कि आधे घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगा। हम ये कह रहे हैं घंटे की सुई पूरा एक बार घूमने में कितना समय लेता है, घंटे की सुई पूरा एक बार घूमने में 12 घंटे का समय लेता है, 12 से वापस 12 आने में से 12 घंटे का समय लेता है घंटे की सुई, और एक बार पूरा घूमने का मतलब ये 360 डिग्री का कोण बना है, तो हम ये कहेंगे घंटे की सुई जो है ना, घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बना दिया, 12 घंटे में 360 डिग्री, तो एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 12 से 360 काट दिए 30 बार में, एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का, हमसे पूछा आधे घंटे में, अगर एक घंटे में 30 डिग्री, तो आधे घंटे का मतलब आधा डिग्री कर देते हैं, इसको आधा कर देते हैं, तो आधे घंटे में क्या आ जाएगा, तो आधे घंटे में 15 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एकदम सिंपल सा सवाल है, 4500 का 30% माइनस 280 का 25% क्या होगा। सीधे से सॉल्व करते इसको, 4500 का 30% हमसे कहा गया, यहां भी ये सॉल्व हो जाएगा, 4500 का 30%, तो 30/100 माइनस किसका कहा गया है, तो 280 का 25%, 280
का 25% प्रतिशत के बदले नीचे आ गया 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर माइनस कर लेते हैं, तो ये दो जीरो खत्म ही हो गया। इसमें भी एक जीरो खत्म हो गया। फिर उसके बाद पांच से इसको पांच बार में काट लेते हैं, पांच से इसको दो बार में, और दो से कट जाएगा ये 14 बार में। अब पूरा गुना करते हैं और माइनस कर लेते हैं, तो इसको 45 × 30 करते हैं, क्या मिल जाएगा, 5 × 3 = 15 का 5, बाकी 1 × 4 = 12 = 13, 1350। और इधर आते हैं तो क्या मिल गया, 14 × 5 = 70, माइनस कर लेते हैं इसमें 70, तो क्या मिलकर आ जाएगा, दोनों को माइनस करते हैं, 0 का 0 हो गया, 15 में से 7 माइनस हो गया 8, और ये हो गया 2, 1280 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हमारा 16 नंबर सवाल है, 1200 का 12% क्या है। सीधी सी सवाल है, इसे कोरिया का भी बच्चा बनाकर चला जाएगा कि 1200 का 12% क्या है। 1200 का मतलब हो गया गुना, और 12% 12/100, 2020 खत्म हो गया, क्या आ गया, 144। बिल्कुल आसान सा सवाल था, हलवा सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है, पहले वर्ष 20% तथा दूसरे वर्ष 30% बढ़ती है, तो दो वर्ष बाद जनसंख्या क्या हुआ। सीधी सी बात है, अगर 20% बढ़ गया तो 120% हो जाएगा, 30% बढ़ गया तो 130% हो जाएगा। दो साल का निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले है 20,000 जनसंख्या पहले था, अब क्या हुआ कि 20% बढ़ा, 20% बढ़ गया तो 120% हो गया, फिर 30% बढ़ा तो 130। हमेशा 100 में ही जोड़ना है या फिर 100 में ही घटाना है, ये नहीं कि 20 में जोड़ का है 150% रख देना, क्योंकि ये भी अपने आप में क्या है, 100% है। तो अब 30% बढ़ा तो क्या आ जाएगा, 130%। सॉल्व करते हैं और आंसर हमारा आ जाएगा, तो 40 यहाँ है और 40 यहाँ पर है। अब सबको गुना कर लेते हैं, 12 × 2 हो जाएगा 24, 13 को 24 से गुना कर लेते हैं, 2 बार 0 है तो 2 बार 0 लगा देते हैं, 13 × 4 = 52 का, 52 का हो गया 2, बाकी हो गया 5, और 13 × 2 = 26, 26 × 5 हो गया 31, 13,200 हो गया जनसंख्या, 31,200 जनसंख्या हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन ये है 18 नंबर क्वेश्चन है, किस धनराशि का 27% 1998 है। सवाल ये कहा, किस धनराशि का 27% सिर्फ 27% कितना है, तो 1998। इसका मतलब क्या है, 27% किसके बराबर है, तो 1998 के बराबर, यही कहा है ना, 27% 1998 है, तो सीधे सीधे इसको रख लेते हैं, 27%, ये 27% किसके बराबर, तो 1998 के बराबर। तो हमसे सवाल में क्या पूछा, सवाल में ये पूछा गया कि किस धन का मतलब, वह धन क्या है, वह धन क्या है, 100% है, तो यहां पर रख लेते हैं 100% बराबर व्हाट। हो गया, सॉल्व करते हैं, सिर्फ कोना कोना नहीं काटना है, तो अगर इसको सॉल्व करें तो 9 से इसको काट लेते हैं 3 बार में, 9 से इसको काटते हैं, 9 × 18, फिर 9 × 18, फिर 9 × 18, 222 बार में, फिर 3 से काट लेते हैं, 3 से कट जाएगा ये 7 × 21, और फिर 3 × 4 = 12, 74 बार में, 74 × 100 कर लेते हैं, तो क्या निकल कर आ जाएगा, 7400 हो जाएगा। एकदम आसान सा सवाल ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, एक विद्यार्थी ने 60 अंक प्राप्त किए और 20 अंक से फेल हो गया, यदि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए तो कुल पूर्णांक क्या है। सवाल समझना, बिल्कुल आसान सा सवाल है, चाहे तो मुझे भी ये सवाल बन सकता है। ये कहा कि 60 अंक ये लाया, अगर 60 अंक लाता है तो 20 अंक से फेल हो गया, 60 अंक लाया 20 अंक से फेल, इसका मतलब क्या है, 20 अंक वो कम लाया, अगर 20 अंक लाता तो वो पास हो जाता, और पासिंग कितना है, तो 40% है। एक काम करते हैं, 20 अंक से फेल हुआ इसे 20 अंक दे देते हैं, 60 था 20 अंक इसको दे दिए तो हो गया 80 अंक, अब ये हो गया पास, पास होने का मतलब कितना, 40%। तो इसमें किस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में इसको अंक हो गया 80 और प्रतिशत कितना हो गया 40,
प्रतिशत। हमसे पूछा है कुल पूर्णांक क्या है, कुल पूर्णांक कितना 100%, तो यहाँ से प्रतिशत के नीचे ही प्रतिशत रखना है, 100% = 1। इस वाले पार्ट को इधर भी रख ले, इसको उधर रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस प्रतिशत के नीचे प्रतिशत रहना चाहिए। अब ये क्या हो जाएगा, 40 से कट गया, दो बार में कोना कोना गुना कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 200 अंक हो गया। बिल्कुल आसान सा सवाल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल आसान सा सवाल है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। यदि 140 का 30% बराबर है 840 के x प्रतिशत के, तो x का मान क्या होगा। सीधा सा सवाल है, इसको अगर बनाएं, सिंपल सा सवाल ये है, 140 का 30%, 140 का गुना हो गया गुना, और 30% का मतलब 30/100, ये बराबर है किसके, तो ये बराबर है 840 के x प्रतिशत के, 840 के x प्रतिशत, x बटे 100, प्रतिशत के बदले नीचे 100 आ गया। सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। सॉल्व अब इसको करें, अगर एक बराबर में तो ऊपर ऊपर काट ही सकते हैं, सिर्फ कोना कोना, बराबर में कोना कोना नहीं काटना है। अब इसको और काटे तो 14 से इसको काट लेते हैं, 14 से 6 बार में कट गया। अब अगर काटे और अच्छा नीचे नीचे 100-100 तो काट ही सकते हैं, 6 से ही कट गया, 30 5 बार में, अब तो कुछ नहीं बचा ना, इधर x बचा और इधर 5 बचा, तो x का वैल्यू क्या निकल कर आ गया, x का वैल्यू 5। इस तरीके से ये सवाल सॉल्व होता है।